पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हरीना, वीडियो भेज रही हूँ, देख के खुश आ जा। बड़ी मम्मी ने तो पूरा स्टेज फाड़ दिया यार, पूरे मोहल्ले वाले उनकी। रीना काम कर रहे, बाद में फोन करते हैं। इसे क्या हो गया अचानक? रीना गुड्डी थी, कुछ कहा उसने? पता नहीं चाची, अपनी ही थोड़ी सैड साउंड कर रही थी, फोन काट दिया, हमारी पूरी बड़बड़ भी नहीं सुनी। What? You're out of town. सुबह जब निकली थी तो लगेज वगैरह कुछ लेके नहीं गई थी। तू है कहाँ पे? ऐसे impulsive travel plans is my zone, Pri. श्री अभी मुझसे ना ज़्यादा सवाल मत कर। कोई भी अगर पूछेगा कि मैं कहाँ हूँ, तो उसे बस बोल देना कि मैं out of town. ठीक है? Okay, noted, Pri. But at least tell me ना, तू है कहाँ? कुछ हुआ है क्या? मैं आती हूँ तेरी मदद करने। Hello? ये ट्रस्ट फॉल तुम राधिका को फीमेल कलीग के साथ नहीं करवा सकती थी? पर क्यों? Maybe the idea is to build the team, not to make anyone uncomfortable. Right? लगभग कितने महीने हो गए यहाँ पे ट्रेनिस को आए? एक महीना? इतने में तो हम सबने ऑब्जर्व कर लिया है कि राधिका मेल कलीग के प्रॉक्सिमिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे मैंने जानबूझ के तो उसको ऑल मेन ग्रुप में नहीं डाला ना, द ग्रुपिंग वे रैंडम। रियली? वीर, तुम इसे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? प्रॉब्लम समीक्षा की नहीं, राधिका की है। ACS 360 कोई ऑल गर्ल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसे अपने मेल कॉलीग्स के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैं तो डे वन से कह रही हूँ कि ये लड़की अडेप्ट नहीं कर पाएगी, एंड यू कैन सी रमन और कबीर उसे एक मौका देना चाहते थे, मौका राधिका को नहीं राजेश को मिल गया मुझ पर कॉमेंट करने का। दैट आई एम लूजिंग माई एज। रियल रियल, एक फिश को तुम इस बात पे जज कर सकती हो कि वो पेड़ पे चढ़ सकती है या नहीं, उसकी लाइफ तो फेलियर लगेगी ना। ये मैंने नहीं कहा, आइंस्टाइन ने बोला। फिर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये बात आइंस्टाइन ने कहा है, ओके? पर बात तो सही है ना। मेल कलीग के साथ काम करना और फिजिकल लेवल पे उसके आसपास होना, करीब होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। वो किसको अपने कितने पास आना देना चाहती है ये तय करना उसका हक है। उसकी शॉर्टकमिंग को ये नया एंगल देकर कवर अप मत करो। डोंट ट्राई एंड डिफेंड हर अननेसेसरली। समीक्षा या मैं उसे इनमें से किसी को डेट करने के लिए नहीं बोल रही, इट्स जस्ट अ ट्रस्ट गेम। दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब इसमें राधिका को फर्क नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम उसमें है, ओके? You got to go to Mexico. वहाँ के बीच I die for. Guys, I don't mind. I'm so bored of Europe. I'm currently planning Cambodia. वहाँ के temples, I just love them. Yeah. Radhika, तुम्हारी favorite destination कौन सी है? हमारी दादी का कब से मन है कि एक बार कश्मीर जाए, तो हम सोच रहे हैं कि पूरी फैमिली को एक बार कश्मीर लेकर जाएंगे हम। Actually, Cambodia is nice. मुझे भी explore करना है वहाँ पे। Yeah, now we are going to go to temples. Yes, exactly. Yes, let's go together. हाँ यार, seriously. वो धूप कहाँ, दालान कहाँ, फुर्सत वाली वो शाम कहाँ, बस चेहरे हैं, कोई नाम नहीं, कोई करता दुआ सलाम नहीं, हम घिर गए कितने गैरों से। Bye.
यार कोई क्यूटू डॉगी बात कर रहा है क्या? हेलो गुड्डी, अब गुड्डी सो रहा रहो है, कोई जलसा वगैरह चल रहा होगा पीछे? हाँ वो ऑफिस की पार्टी चल रही है। तो तुम काय उदास बैठी हो? रीना भी कह रही थी कि तुम कुछ परेशान लग रही थी, क्या हुआ गुड्डी? कभी कभी ना बहुत अकेलापन लगता है मम्मी, जैसे कि हम यहाँ के हैं ही नहीं मम्मी। हम कॉल करते हैं आपको मम्मी। ये ले लो तुम्हारे लिए, ये पनीर है और तुम सैड हो। ये पनीर इसीलिए है क्योंकि ये वेज है, तुम क्यों सैड हो? अरे सुमन, क्या हो गो? गुड्डी से बात कर रही थी, सब ठीक? कहाँ है? ऑफिस में ही अभी तक। बताओ, 8 बज गए हैं, पता नहीं कितना काम कराएंगे हमारी बिटिया से। अभी गुड्डी से फोन करके कह देते हैं, अपनी कंपनी वालों से कह दे काम करते हैं, गुलामी नहीं। जयराम जी की बोले और निकले वहां से, देर हो रो। मैंने अभी बात हुई हमारी, ऑफिस से निकल ही रही है बस, घर पहुंचते ही हाजिरी दे देंगे आपको। सुमन, हाजिरी नहीं लेते, फिक्र रहती है इसके लाने पूछते रहते हैं। म्यूजिक इज टू लाउड ना, आई मीन मार्स में अगर लाइफ है ना तो अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहे होंगे। अभी एलियंस है ना रिसर्च कर रहे होंगे कि एसीएस 360 वाले करते क्या है हर साल। तुम्हें डांस करना पसंद नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा? जब से यहाँ पे आए हैं थोड़ा अलग सा लग रहा है बस। कि तुम यहाँ के हो नहीं, गलती से आ गई हो, फंस गई हो यहाँ पे आके। राधिका तुम जो कहती हो लोगों को समझ में नहीं आता और जो वो सोचते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सब बहुत फास्ट है, सब बहुत तेज तेज चल रहा है और तुम रिलेट नहीं कर पा रही हो। आई गेट इट। अर्ज है, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले जमाने में कोई मीर भी था। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा ना राधिका एसीएस 360 में, वो पहली बार नहीं हो रहा, ये मेरे साथ भी हो चुका है। आई मीन मुझे भी ऐसा लगता था कि आई डोंट फिट इन, अकेले अकेले रहता था मैं भी। आप अकेले अकेले, ये कैसे पॉसिबल है? आप तो कितने पॉपुलर है यहाँ पे। हाँ अब हूँ, पहले नहीं था। और कोई अपने माँ के पेट से पॉपुलर बन के नहीं आता, बहुत सारी गलतियां करनी पड़ती है राधिका। अब प्रियल वॉज ऑलवेज एग्रेसिव, शी वॉज ब्लांट, शी वॉज लाइक गो गेटर, लाइक अ शार्क। मैं नहीं था। अप्रेजल के वक्त मुझे कंप्लीटली इग्नोर किया गया, प्रियल गॉट द प्रमोशन। फिर तब मैंने सोचा तेरे यहां दाल नहीं गलने वाली, कुछ और सोचते हैं, कुछ और जॉब करते कहीं और। यार फिर दिल में ना एक नोटिफिकेशन आया, टिंग। यार यहां पे तू एलियन फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ये तो दूसरे जॉब में भी हो सकता है। यार कितना भागूंगा मैं? यू नो थोड़ा टाइम लगा मुझे, फिर समझ में आया कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे कहीं फिट इन होने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और की तरह बनना भी नहीं है। यू नो इतनी इंपॉर्टेंस दुनिया को भी नहीं देनी चाहिए और खुद को भी नहीं देनी चाहिए। इट्स ओके बी योर सेल्फ। धीरे धीरे एवरीथिंग गॉट इन टू प्लेसेस, मुझे अप्रेजल मिल गई और आई कॉट अप विद प्रियल। यू नो व्हाट, लाइट की स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता, लेकिन वो इतनी तेज इसीलिए नहीं चलती कि उसे बाकी लोगों को हराना है, उसे फर्स्ट आना है, उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है।
वो बस अपनी स्पीड से चलती है और अपने मन से। और गोवा में आके किसका डांस करने का मन नहीं करता? अगर मन है तो गो डांस इट आउट, हैव फन, एंजॉय राधिका, गो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।